खरगोन जिले के सेगावा समीप ग्राम दसनावल में इन दिनों विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जमीन से कुछ ऊपर बिजली के तार लटक रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा बार बार विभाग में लाइन मेमो को बताने के बाद भी उसमें सुधार नहीं किया गया, जबकि अभी बरसात होने के कारण गली में कीचड़ रहता है और यह आम रास्ता होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोगों और किसानों का बैलगाड़ियों के साथ आना जाना होता है, मगर समय रहते यह मौत के साए की तरह मंडरा रहे बिजली के तारों को ऊपर नहीं किया गया तो रायबीरपुरा जैसी बड़ी घटना घट सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ग्राम दसनावल में विद्युत विभाग द्वारा ये जो लाइट बिछाई गई है ये रोड पे आ गई है और इसकी वजह से आमजन को परेशानी हो रही है। आला अधिकारियों को सब कुछ अवगत करा दिया गया है इस समस्या से, पर अभी तक कोई इसका सुनवाई नहीं हुई है, कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो हमारी यही एक अनुरोध है कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें। ये जो है बैलगाड़ी और यहाँ से निकलने वाले वाहनों पे इसका असर हो रहा है। कल एक बैलगाड़ी वाला कल बच गया, जान की इसमें जनहानि होने की संभावना है, तो इसके लिए जल्दी जल्दी कोई निराकरण किया जाए। विद्युत विभाग वालों से निवेदन है कि इसमें यदि किसी को भी जनहानि होती हो तो उनकी ये जिम्मेदारी पूरी रहेगी, क्योंकि उनको अवगत कराने के बावजूद भी वो अभी तक इनको पोल को सही नहीं कर रहे हैं और ना कि लाइन के जो तार कटे हुए उनको सही कर रहे हैं। क्या नाम है सर? ओम यादव चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।